बेमेतरा के पेड़दामा स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में शनिवार बियनिया करीब 8 बजे भीषण ब्लास्ट हो गई और यह हादसा के सीसीटीवी तस्वीर घलो आगू आए। यह हादसा में 4 लोगों के मौत हो गए, 6 जन घायल है, वो मतलब इलाज पर रायपुर लाए गए हैं, वो मकहरा और एम्स में भर्ती कराए गए हैं। हादसा इतना भयानक रही इसके 5 किलोमीटर दूरिया तक ब्लास्ट के जो आवाज है वो सुनाई दी। जो चश्मदीद है वो मन के मुताबिक ब्लास्ट हुए में ऐसे लगे जैसे भूकंप आ गए। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री ले केमिकल और गैस के रिसाव हुआ रही। उन्हें ताजा अपडेट ये मिले है कि अमोनियम नाइट्रेट गोदाम में फिर आगी सुलग गई। गोदाम ले आगे के जो लपट है वो उठत रही, दीवार गिरा के ये आगी ला बुझाया के कोशिश जो सलग जारी है। बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट ऊपर संज्ञान लेते हुए सीएम विष्णु देसाई घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दें। वे मृतक के परिजन 5-5 लाख रुपया और घायल ला 50-50 हजार रुपया की आर्थिक मदद के घोषणा करेंगे है। संगी घायल मन के समुचित इलाज के निर्देश दे गए। वे श्रम मंत्री लखनलाल देवांगना गलो उद्योग और श्रम विभाग ला जाँच के आदेश दे है। अरे बैठे आदमी का कोई नहीं जवाब मिल रहा है। वहाँ जो कर रहा है वही रेस्क्यू क्या कर रहा है, हम लोग को तो जाने नहीं दे रहे अंदर, वही रेस्क्यू कर रहे ऐसे बोलते हैं। नहीं भैया यहाँ तो पक्का है, यही है हमारा भाई, एकदम पक्का है, 8 से 9 लोग यहाँ है। घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। श्रम कानून की तरफ से भी जो मुआवजा श्रमिकों को मिलना है वह भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की ओर से ये निर्णय किया गया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, विस्तृत इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। घटना की जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को शीघ्र जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी विभाग के द्वारा कंपनी के द्वारा उनको राहत राशि दी जाएगी। तो आप मतलब बता दें कि अभी भी आगी ला जोन बुझाए के कोशिश जारी है। ये कर संग ही एक बड़े अपडेट ये है कि कई लोगन लापता घलो बताया जाते हैं। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग हमारे करा ये बेरा बेमितला रही जुड़ा थे। संदीप अभी का अपडेट है का आगे ऊपर पूरा तरह ले काबू पा लेंगे? संगी ये घलो बात करवो कि कुछ ग्रामीण मन आरोप लगाए कि कुछ लोगन जो ने वो गायब है, अभी का अपडेट है पूरा खबर लेके आप मन कना? आगे हाँ पूरे तरीके से बुता गए हैं, लेकिन भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो चला था मतलब मलबा हटाए काम तो पानी डाल डाल के चला था। श्रवण कांवर की रात के समय है और एफएसएल वाले बोले हैं कि नीचे जो विस्फोटक हो सका था एकर से पानी डाल डाल के मलबा हटाए से एवन हटा थे और काली जो है फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुई अपन ला। लेकिन सबसे जरूरी बात अपन ला बता दू, अपन देख सका तो ऐसे करके स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड जो फैक्ट्री है यह 3 छोट 4 ठो गेट है जहाँ 70 मजदूर आते जांच के बाद आना जाना होकर मन के चलते। अब सबसे बड़े लापरवाही की बात यह है कि ब्लास्ट हो है अभी तक 12 घंटा से ज्यादा समय हो गए है। जिला प्रशासन के पास आंकड़ा नहीं है, दूर जो है वो लापता है। काबर कि जिला प्रशासन या सरकार कहते 1 जन के मौत हुआ थे हो है और 6 जन जो घायल है, लेकिन हम खुद 7 जन के परिवार से हम बात करे हम कि ओकर जो परिजन है गायब है। पूरा नाम की लिस्ट है हमार करा कि फैक्ट्री में आए रही से काम करे पर अभी तक घर नहीं लौटे है। एक एक घर दो घर ऐसे है जहाँ दो दो जन लड़का काम करे पर रात रही से वो वहाँ गायब है, 3-4 जन आगू गायब है। तो पीरदा के और बोरसी के ही 9 जन अभी लड़का और आदमी है, 1-2 जन पूरा गायब है। अब आशंका यह है कि भाई अंदर जाके विस्फोट के शिकार हो गए और मन के मौत जो है हो गए, परिजन शंका है। लेकिन
जिला प्रशासन के पास कोई सूची नहीं है कि कतका आदमी यहाँ पर सुबह आई रही से, कतना विस्फोट के समय आ रही से, गेट पे जबकि एंट्री हो के पूरा नियम है ना, तीन तीन गेट है अंदर जाके। एक अलावा रात ड्यूटी के काम 24 घंटा काम चलते तो नाइट शिफ्ट वाले आदमी रही से, सुबह के नवा आदमी रही से, और अपन ने जो अपन खबर दिखाया था कि सुबह भाई 7 जन घायल हो गए रही से, 1 जन के मौत हो गए, तो ये जो 100 मीटर दूर अमन काम करत रही से, तो एक जो मलबा फेंकाइस और बहुत दूर दूर 200-300 मीटर तक मलबा फेंकाई से, तो कई जन चोटिल हो, तो आप सोच सकते हो कि जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए है वहाँ कतक बड़ा ब्लास्ट हो रही से, तो पूरा फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे एको जन नहीं बचे है, और बाजू में भी मलबा पूरा गिर गया है, पूरा बिल्डिंग में धस गए है, वहाँ भी एको जन नहीं बचे। ग्रामीण मंडला बिल्कुल शंका है कि बहुत अकन आदमी यहाँ खत्म हुए, लेकिन जिला प्रशासन के पास ना तो लापता की सूची है। अभी मन कहा था कि एक जो रजिस्टर है आवन जावन की कतका आदमी आए हैं, कतका जन साइन करे हैं, कतका जन रोजी कमाए पर अंदर घुसे हैं, ये जानकारी अभी तक मिले नहीं है। अब कहा था कि फैक्ट्री वाला सहयोग कराते, तो भाई सहयोग कराते तो कौन बताई कि कतका आदमी आए अंदर और कतका आदमी गायब है। तो सबसे ज्यादा लापरवाही ये बात है, काबर कि अभी गेट के बाहर सैकड़ों ग्रामीण बैठे है, अपन परिजन के इंतजार करते है, अघोरा करते है कि कब उकर बेटा आई, लड़का आई, पिताजी आई, काबर की अपन फैक्ट्री में काम करे पर एकर कोई जो है नामो निशान अभी नहीं मिले। छोटे छोटे मांस के टुकड़ा, हाथ के टुकड़ा, पांव के टुकड़ा, अंगुली के टुकड़ा मिले, फसल वाले वाला जमा करे, अब एक एक करके ओकर मन के डीएनए जांच हुई तब मालूम चली कि कतेक जन के अलग अलग आदमी के जो शव है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही है। ये जानना का प्रयास जिला प्रशासन वाला जरूर करना चाहिए आंखा पड़वा के कि भाई बिल्कुल संदीप तक बड़ा घटना हो इससे, ये घटना के बाद जो है आप मन जौन तरह बताते हो कि कतका लापरवाही घलो यहाँ देखे पर मिला थे, आप मन मौका पर मौजूद हो, नजर बना के रखे, अपडेट आप मन से लेबो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर।